हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और इन गर्मियों में हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे, आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। क्योंकि विंटर में हम अपने बच्चों का केयर बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे ही समर आ जाता है तो हम सोचते हैं कि चलो अब समर है, हमको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा जैसे जितना कि ठंड में बचाने से हमें करना पड़ता है। लेकिन गर्मी से भी बच्चों को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ठंड में। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जो कि आपको हेल्पफुल भी हो। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में हमें बच्चों का ध्यान बहुत ही सावधानी से रखना होता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से अपने बच्चों का ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों को खाने पीने पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे से हेल्दी खाना खाए। बच्चा गर्मियों में खाना नहीं चाहता, इनफैक्ट हम बड़े ही खाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि हमेशा कुछ ठंडी चीज़ें लें, ठंडा पानी पिए। तो बच्चे भी ऐसा ही चाहते हैं, गर्मियों में खाना नहीं चाहते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करना होगा कि अपना हेल्दी फूड लें। दूसरा पॉइंट है डिहाइड्रेशन। जैसा कि मैंने बताया, गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए टाइम टू टाइम में पानी पीजिए। बच्चा छोटा है, उसे पता नहीं है कि कब पानी पीना है, तो आप एक टाइम फिक्स करके बच्चों को हर 15 मिनट में एक एक घूंट, दो दो घूंट पानी पिलाइए। और अगर बच्चा 0 से 6 मंथ तक के बीच में है तो टाइम टू टाइम उसे ब्रेस्ट फीड दीजिए। तो बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है क्लोथ्स के ऊपर। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बच्चों को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। फिर आप अगर कॉटन के अलावा भी कोई अदर फैब्रिक का कपड़ा पहनाते हो तो बच्चों को ईचिंग हो जाती है, उससे रैशेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। तो इन गर्मियों में कोशिश कीजिए कि बच्चों को थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहनाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं, जिससे कि हवा भी आर पार आ जा सके। फोर्थ पॉइंट, रैशेस होना। गर्मियों में बहुत ज़्यादा बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। एक तो डायपर रैश तो रहता ही है, दूसरा होता है स्वेट रैश, मतलब कि पसीने से रैश हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ये गला है वो इस तरह से ढका हुआ रहता है हमेशा। तो उससे क्या होता है, ये जो लाइनिंग आती है गले की, उसमें रेड रेड रैशेस हो जाता है। और अगर हम फिर रगड़ के साफ़ करते हैं उसको तो और ज़्यादा उनको लहरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, उन रैसेस के लिए हम अपने हाथों में पाउडर लेके, जो बेबी पाउडर होते हैं, हिमालय के पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे बोला जाता है कि पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम पाउडर कम मात्रा में यूज़ करते हैं तो उससे कोई हानि नहीं है। तो अपने हाथों में पाउडर लेके रब कर लीजिए, उसके बाद बच्चे के जहाँ जहाँ रैशेज़ हो रखे हैं वहाँ पर इस तरह से रब कर लीजिए, बच्चों को आराम मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, इन गर्मियों में भी बच्चों को वायरल कोल्ड एंड कफ हो जाते हैं, इससे कैसे बचें हम। सबसे पहली बात, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा ये करते हैं कि कभी भी टॉयलेट का डोर ओपन हुआ वो जाके अपने आप को भिंगा लेते हैं या फिर पानी गिरा लेते हैं कहीं से भी। इससे क्या होता है, बच्चे ज़्यादा देर तक भीगे रहने से बच्चे को बीमारियां पकड़ लेती, जैसे कोल्ड एंड कफ हो गया, फीवर हो गया, वायरल हो गया। तो इन गर्मियों में भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो इसका हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा कि बच्चों को हमेशा देखें कि बच्चा अपने ऊपर पानी तो नहीं गिरा रहा है, या अगर गिरा भी ले रहा है तो उसी टाइम हम अपने बच्चे का कपड़ा को बदल लें, नहीं तो बच्चा बीमार पड़ सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गर्मियों में हम एसी चला रहे हैं, वहाँ बच्चों को सुला रहे हैं, बच्चों के लिए सही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप बच्चों को अच्छे से कपड़ा पहनाकर एसी में सुला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ही 25 से 27 के बीच में रखिए, जब बच्चा आपका एसी में सो रहा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर भी आपको एसी में सोने का सलाह देते हैं। सेवेंथ पॉइंट, बहुत लोग से सुना जाता है कि वो बोलते हैं कि बच्चों को गर्मियों में मसाज नहीं देना चाहिए, मसाज देने से ऑयल का एक कवर चढ़ जाता है जिससे पोर्स जो होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम बच्चे को मालिश करते हैं और उसके बाद हम बच्चे को बाथ दे देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अच्छे से बच्चे का मालिश कीजिए, उसके बाद आप उसको नहला दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को मसाज भी मिल जाएगा और जो ऑयल बॉडी के ऊपर कवर हो जाता है वो भी पानी से हट जाएगा। अगर आप मसाज करके बच्चे को नहला रहे हो तो बिल्कुल ठंडा पानी से नहीं नहलाना है। आप एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करके, वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, उस वार्म वाटर से बच्चे को नहलाइए। बच्चा बिल्कुल फ्रेश रहेगा और एकदम कूल रहेगा। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, बहुत मच्छर काट रहा है, तो इसका एक ही उपाय है कि आप मॉस्किटो रोल ऑन ले कर आ जाएँ और उसको बच्चे के कपड़ों में हल्का हल्का लगा दें। बच्चे को मॉस्किटो से ख़तरा नहीं रहेगा। और अगर आप रात में सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मॉस्किटो नेट लगा कर सोएं, मॉस्किटोज नहीं काटेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है या फेंट हो रहा है, डिहाइड्रेशन कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो पर और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि मैं लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।